हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजी टेक्निकल और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज एक नया वीडियो। देखिए, आज के फोन में ज़्यादातर लोग कॉलिंग से ज़्यादा चैटिंग प्रेफर करते हैं। इससे क्या होता है, आप लोगों का टाइम भी बचता है और काम भी आसान हो जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिससे चैटिंग कर रहे हैं उसको आपके लैंग्वेज आता नहीं और आपको उसकी, तो इस दौरान आप लोग क्या करेंगे? मैं अगर कहूँ कि आप किसी से भी कोई भी लैंग्वेज में चैटिंग कर सकते हैं तो क्या आप लोग बिलीव करेंगे? आपको बस करना चाहिए यार। लेकिन मैं अगर कहूँ कि आप किसी से भी कोई भी लैंग्वेज में चैटिंग कर सकते हैं, वो भी उस लैंग्वेज को सीखे बिना, तब शायद आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो यही है आज के टॉपिक। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से आप किसी से भी कोई भी लैंग्वेज में चैटिंग कर सकते हैं, वो भी उस लैंग्वेज को सीखे बिना। तो मैं ये आज आप लोगों के सामने लाइव करके दिखाऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप लोगों को सही प्रोसेस पता नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसे करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। तो आपको पहले प्ले स्टोर पर जाना है, फिर यहाँ पे टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट। ये एप्लीकेशन मेरे फ़ोन पे पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए इसको ओपन दिखा रहा है। आप इसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए, फिर दोबारा जाइए और यहाँ पे लिखिए जीबोर्ड। ये भी मेरे फ़ोन पे पहले से इंस्टॉल है। तो इंस्टॉल होने के बाद इसको आपको फ़ोन में डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले ओपन करना पड़ेगा, फिर सेटिंग में एनेबल करना पड़ेगा, ये आपको जीबोर्ड को ऑन करना पड़ेगा। ओके, फिर सिलेक्ट इनपुट मेथड, यहाँ पे आपको जीबोर्ड को एनेबल करना है। फिर परमिशन मांगेगा, अलाउ, फिर डन कर देना है। फिर यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया। इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। तो अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल भी हो गया और गूगल कीबोर्ड को डिफ़ॉल्ट भी कर दिया। तो इसे यूज़ कैसे करेंगे? तो पहले आपको जाना पड़ेगा व्हाट्सएप में, फिर मैसेज में, फिर आपको जो गूगल का सिंबल दिख रहा है इसके ही आखिर में आपको ट्रांसलेट का एक सिंबल मिलेगा, इसे ऑन करना है। फिर आपको देखना है कि आपको किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो ये आपको बाई तरफ जो हिंदी लिखा हुआ है, दाई तरफ इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मुझे मैसेज आया कि हाउ आर यू, तो मुझे मालूम है कि इंग्लिश है, लेकिन मान लीजिए मुझे मालूम नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है। तो पहले मुझे ये ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसलेट करने के लिए मुझे कोई दूसरे पेज में जाना नहीं पड़ेगा। मैं जब दिखाऊंगा ये सब पूरा विंडो में ही दिखाऊंगा ये काम पूरा। तो पहले इस लैंग्वेज को स्वाइप कर देते हैं, मतलब मैं इंग्लिश से हिंदी करना चाहता हूँ पहले। तो पहले इस वर्ड को कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लिखा हाउ आर यू, आपको यहाँ पे पता चल गया कि इसके मीनिंग क्या है, कि आप कैसे हैं। तो आपको अगर पता चल गया तो आप आसानी से इसका जवाब भी दे सकते हैं। तो इसका जवाब कैसे देंगे, पहले इसको काट दीजिए, फिर यहाँ पे आपको लैंग्वेज को स्वैप कर दीजिए। मतलब आप हिंदी में लिखेंगे तो आपका मैसेज जाएगा इंग्लिश में। तो सबसे अच्छा बात यह है कि आपको हिंदी लेटर में टाइप करना पड़ेगा नहीं। आप जैसे किसी को मैसेज करते हैं, जैसे मैं अच्छा हूँ MAIN करके, वैसे ही आप यहाँ पे टाइप कीजिए। नॉर्मली जैसे मैं लिख रहा हूँ मैं अच्छा हूँ, सॉरी मैं अच्छा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैसेज आएगा आई एम गुड, तो आपको सेंड कर दीजिए। फिर आपको दोस्त को पता भी नहीं चलेगा कि आप नॉर्मली टाइप कर रहे हैं या फिर किसी एप्लीकेशन के द्वारा कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं फिर से एक मैसेज करता हूँ वेयर आर यू, सेंड कर दिया। तो कैसे पता करना है आपको इसका मीनिंग क्या हो, तो आपको जान ही लिया। तो मैं इसका रिप्लाई दूंगा कि मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। देखिए एकदम पूरा जैसा इंग्लिश सेंटेंस होता है पूरा वैसा करके ही आएगा, और आपको दोस्त को कोई पता भी नहीं चलेगा कि आप नॉर्मली ये टाइप करके भेजें या फिर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो इससे आपका इमेज भी अच्छा होगा और आपको थोड़ा सीखने भी मिलेगा, और आप आसानी से टेक्स्ट भी कर सकते हैं, या फिर इससे आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस भी कर सकते हैं, या फिर किसी दोस्त को, या फिर कंपनी के किसी लेवल की जो मैनेजर या फिर जो कोई भी है उसे भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए आप इंग्लिश में नहीं किसी दूसरे लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत तरीका का लैंग्वेज मिल जाएगा आपको, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, आपको विदेश का भी
लैंग्वेज मिल जाएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो लाऊं तो आपको उसका अपडेट मिले। और हाँ, ये सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।